हेलो दोस्तों, माँ कात्यायनी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजीव पांडे आपके लिए क्लास 12 के हिंदी के पद को लेके आया हूँ। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको हरिओत जी से पदों को पढ़ना शुरू करना है, उससे पहले हरिश्चंद और रत्नाकर जी के पद आपके लिए नहीं है, वो कलाबर के विद्यार्थियों के लिए। मैं बाद में उसका भी वीडियो बना के डाल दूँगा, जो कलाबर के विद्यार्थी होंगे वो भी उन पदों को देख लेंगे। आइए हम पवन दूतिका पढ़ते हैं। उससे पहले हम दोस्तों कहना चाहेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि आपको निरंतर हिंदी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लासेस मिलते रहें तो आप अविलंब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निरंतर क्लास को ज्वाइन करें। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपको इन विषयों में अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो आइए हम पद को शुरू करते हैं। देखिए, पद कहता है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को लेके, प्रातः वाली सुपमन इसी काल बातायनों से। देखिए, कहता है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बात किसकी हो रही है? राधिका की बात हो रही है, राधा जी की बात हो रही है। कभी कहते हैं कि एक दिन बैठी खिन्ना, एक दिन उदास होकर के, निराश होकर के राधा जी एक दिन अपने घर में राधा जी निराश होकर के, दुखी होकर के अकेली बैठी हुई थी। आगे कहते हैं, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, उनके आँखों से आंसू टपक रहे थे, उनके दो कमल के समान आँखों से आंसू टपक रहे थे, जैसे लग रहा था मानो उनके आंसू धरा को यानी पृथ्वी को भिगो रहे हैं। कहते हैं, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदन को लेकर प्रातः वाली सुपवन इसी काल बातायनों से। अंतिम पर्व की शर्त उठा देते हैं तो कहते हैं कि सुबह सुबह प्रातःकालीन जो शीतल सुगंधित वायु बहती है वो धीरे से उनके सदन यानी उनके घर में पुष्प के गंधों को लेकर के प्रवेश करती है। पुनः देखेंगे दोस्तों, कहता है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, एक दिन राधिका दुखी होकर के, निराश होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई हैं। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, कमल के समान कोमल नाजुक उनकी आँखों से आंसू की बूंदें टपक करके ऐसे लग रहा था मानो धरा को भिगो रही हैं। कहते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को लेके, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अंतिम पंक्ति शर्त उठाते हैं, कहते हैं कि प्रातः काल यानी सुबह सुबह की शीतल संदित सुगंधित वायु उनके घर के झरोकों से घर में प्रवेश करती है। कहते हैं कि प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, सुबह वाली सुंदर सुगंधित शीतल वायु राधिका के घर में पुष्पों के गंध को लेकर के खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश कर रही है। आगे कहते हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका, यूँ प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलसुत हुई है काल की कृपा से। राधिका रानी पवन से कहती हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, हे पवन, तुम तो ताप से पीड़ित, दुख से पीड़ित, लोगों के दुख को देख करके दुखित होने वाली एक नायिका हो। धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका हो, अपने दुख से पीड़ित राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, तुम तो दूसरों के ताप, दूसरों के दुख को देख करके दुखित होने वाली नायिका हो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, तो हे प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो? जब तुम खुद ही दूसरों के दुख से दुखित होती हो तो तुम मुझे क्यों सता रही हो? क्या तू भी कलसुत हुई काल की क्रूरता से? क्या समय की क्रूरता से तुम भी दुखी हो जो मुझे दुखित कर रही हो, या मुझसे मिलने आई हो? पुनः देखेंगे, कहते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिताओ, हे पवन, तुम तो दूसरों के दुख को देख करके, दूसरों की पीड़ा को देखकर खुद दुखित हो जाती हो। धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका, अपने दुख से पीड़ित राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, तुम तो दूसरों के दुखों को, दूसरों की पीड़ा को देख के दुखी हो जाती हो।
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती। तो हे प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तू भी कल सुती हुई काल की क्रूरता से? कहीं ऐसा तो नहीं कि काल की क्रूरता से, समय की क्रूरता से तुम भी दुखी हो गई हो? कहती हैं आगे, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा रानी पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे प्रियतम कौन? भगवान कृष्ण। नव जलद से जो खिले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान कोमल है, जो घने काले बादलों की तरह दिखाई देते हैं, पुनः देखेंगे, कहते मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे प्रियतम जिनकी आंखें कमल के समान कोमल और घने काले बादलों के समान काली काली दिखाई देती हैं, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जब से वो वृंदावन छोड़ के गए, लौट के वापस ना आए, ना उनका कोई संदेशा आया। कहते हैं, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। हे पवन, मैं प्रियतम के विरह में रो रो करके पागल हुए जा रही हूँ, बावली होने जा रही, मदहोश हो गई हूँ। हे पवन, मेरा इतना सा काम कर दे कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तू जा कर के मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो दुख है, वो सारा दुख तू एक बार कृष्ण को सुना दे, शायद वो मेरे दुखों को सुन करके वापस लौट आए। पुनः देखेंगे, कहते हैं कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृघ युगल में थे धरा को भिगोते। एक दिन राधिका अपने घर में दुखी होकर अकेली बैठी हुई थी, उनके कमल के समान आँखों से अश्रु की बूंदें टपक टपक करके लग रहा था मानो पृथ्वी को भिगो रही हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प को लेकर के, तभी उनके घर में पुष्पों की गंध को लेकर के प्रातः वाली सुपवन, सुबह की सुगंधित शीतल वायु उनके घर में झरोखों के माध्यम से प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है तो राधा पवन से कहती हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। धीरे बोली सदुख से श्रीमती राधिका हो, दूसरी पंक्ति से उठाते हैं राधा, अपने दुख से दुखित राधा धीरे से पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम तो संतापो, ताप से पीड़ित, दुखी, विपुल मतलब दुखी, लोगों के दुख को देखकर दुखी होने वाली नायिका हो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती? तो हे प्यारी पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी समय की क्रूरता से पीड़ित हो गई हो? आगे कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे प्रियतम जो घने काले बादल के समान सांवले हैं, जिनकी आंखें काली काली हैं, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जब से वृंदावन छोड़ के गए, लौट के वापस नहीं आए, न उनका कोई संदेशा आया। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। हे पवन, मैं प्रियतम के विरह में रो रो करके पागल हुए जा रही हूँ। मेरा इतना सा काम कर दे कि जाके मेरी सब दुख व्यथा जो है, मेरे दुख जो हैं, वो सारे दुख मेरे श्याम को तू जाके हे पवन सुना दे। बस मेरा इतना सा काम कर दे। राधे राधे दोस्तों, अर्थ को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिलते रहें। शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।